अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? रहे कॉबरा न्यू वीडियो के साथ। एनीवेज की पब्लिक पबजी मोबाइल में जो एक नई अपडेट आई है रोनिक पावर, उसमें लाइक पबजी का न्यू वर्जन आया है 1.2.0, और उसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए हैं, कूल फीचर्स आए हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, ये क्लासिक एरेंगल में आया है रनिंग पावर का मोड, जो आज हम खेलने वाले हैं, और जिसके तीन फीचर्स आपके सामने आ रहे हैं। ये बड़े बड़े कूल फीचर्स हैं। हम इसको कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं वो मैं आज के गेम प्ले में आपको बताऊंगा, और मैं कह रहा हूँ आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा देख के, इतने मज़े मज़े के फीचर्स हैं ना ये। तो इसके बारे में आज का गेम प्ले है, और मैं अच्छे से गाइड करूँगा कि ये कैसे खेलते हैं। मेट्रो रॉयल के ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, तो इसका एक नया चैप्टर आया है जो कि आप इन्जॉय कर सकते हो। लाइक बहुत ज़्यादा लोगों को मेट्रो रॉयल बहुत पसंद है, तो उसमें एक नया एडवेंचर आया, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा पब्लिक लिविक में एक नई गन आई है जो कि बीस्ट गन है क्लोज रेंज में, और आप लोग चेयर पार्क जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करते हो, सोलो होते हो तो बोर होते हो चले जाते हो, तो वहाँ पर आपको जो है अब लेके रिवार्ड्स मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा नई मज़े की अपडेट्स आई हैं इस अपडेट में 1.2.0 में पबजी मोबाइल में। तो आज का गेम प्ले हम स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, लॉबी में आ रहा होगा रोनिक पावर, और यहाँ पे आप जो अपने पॉइंट्स चार्ज प्रोग्रेस आप स्क्रीन के ऊपर लिखा रहे हैं, अपने पॉइंट्स ज़्यादा करके काफ़ी ज़्यादा फ्री जो चीज़ें हैं वो रिडीम कर सकते हो, और लाइक इसमें आप फ्रेगमेंट दे सकते हो अपने टीममेट्स को, और आपके टीममेट्स आपको चार्ज दे सकते हैं, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करके अपनी इन्वेंट्री का भी हिस्सा बना सकते हो। तो चलते हैं अपने गेम प्ले की तरफ आज के, और आपको मैं बता रहा हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है जो अपडेट आई है ना। मुझे ये मोड खेल के बहुत ज़्यादा मज़ा आया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा एनिमस की पब्लिक के ये कैसे काम करता है। जब आप स्क्रीन पर आते हो तो आपको लाइक ऐसा कुछ सर्कल बना नज़र आएगा, और इस पर टैप करके आप ना खुद से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या कौन सा फीचर यूज़ करना है। अब मेरा जो फेवरेट है वो है ये वाइंड रून, ठीक है, वाइंड रून जो है लेफ्ट वाला ग्रीन वाला। इसमें होता है कि आपका एक शील्ड बन जाती है आपके आसपास, और आप इसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कूल हैं। जैसे कि आपके आसपास शील्ड बन जाएगी, और आपकी जो मूवमेंट स्पीड है वो अच्छी हो जाएगी, रीलोड स्पीड, डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जो रेड वाला है, इसमें होता है कि आपके ये जो सर्कल बनता है इससे, और फिर एनिमी की तरफ चलता है वो उसको डैमेज दे सकता है, और बर्निंग जो इफ़ेक्ट है वो लेके आता है ये आपके जब आप फायर करते हो। उसके अलावा जो वाइट वाला है वो ये काम करता है कि एक वॉल क्रिएट कर देता है जहाँ पे भी आप उसको यूज़ करते हो, और वॉल जो होती है वो आपको एज अ कवर यूज़ करते हो। और गन इफेक्ट जैसे आपने देखा ना एम4 ग्लेशियर का आता है, किल इफेक्ट आता है, डैमेज इफेक्ट आता है जब गोलियाँ लगती हैं तो डैमेज उड़ता है। तो ऐसे अगर आप रेड वाला सेलेक्ट करोगे आपका रेड डैमेज इफेक्ट आएगा, और ये रोल देख रहे हो आप ये घूम रहे हैं, ये एनिमी की तरफ जाते हैं, तो उससे भी आप एनिमीज को डैमेज दे सकते हो। तो मेरा फेवरेट है ग्रीन वाला, मैंने ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लिया था, और मेरे टीममेट ने डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया था। तो आपके जो टीममेट्स होते हैं वो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम दोनों ने अलग अलग सेलेक्ट कर लिया पब्लिक, और अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, मतलब ये तो आपने एक तरीके से ना मतलब डिसाइड कर लिया कि पूरी गेम में मेरे को क्या यूज़ करना है। आप जब लूट करते हो ना तो आपको वहाँ पर बॉक्सेस मिलते हैं ये रोन पावर वाले, और आप उनको कलेक्ट करते हो। कलेक्ट करने के बाद जितने मर्ज़ी उठा लो पब्लिक, एक बार मैंने 999 जमा किए थे, और वो ज़रा भी स्पेस नहीं लेते, मज़े की बात। तो आप जो है ना ईज़िली ज़्यादा से ज़्यादा जमा करके अपने बैग में रख सकते हो, और इनको यूज़ कर सकते हो, और ये ज़रा भी मतलब आपके बैग में इस मतलब एक एनर्जी ड्रिंक जितनी भी ये स्पेस नहीं लेंगे। और अगर आप कहीं भी ओपन में फाइट ले रहे हो तो वहाँ पे कवर बना सकते हो इनका। तो बड़ी कूल अपडेट है, मुझे बड़े मज़े की लगी। मतलब एक तो जो किल डैमेज इफेक्ट आया जब आप शॉट्स मारते हो डैमेज होता है, तो भाई बहुत मज़े का सारा सीन, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलते हैं एनिमस के पब्लिक। हम लोग आए थे जॉर्ज पुल यानी लाहौर, और जैसे ही लैंडिंग हुई ना मैं तो भागा वेयर हाउस की तरफ, क्योंकि आजकल कंटेनर्स में इतनी लूट नहीं मिलती, बाबा जी जितनी मिलती है वेयर हाउस में, तो भाग के आ गए थे वेयर हाउस की तरफ। लेकिन एनिमस के पब्लिक ठोको लाइक बटन अगर अभी तक आपने लाइक बटन ठोका। ये वो बॉक्सेज हैं जिनकी मैं बात करता रून पावर वाले, इनको मैंने उठा लिया, और यहाँ पे मेरे पास दोनों जो ब्रस्ट गन्स थी तो मैंने एक टॉमिक गन उठा ली, और यहाँ पे आप देखोगे क्लोज रेंज में आपका एनोनिमस जो थोड़ा बहुत इंप्रूव कर गया, और आज आपको उसकी झलक नज़र भी आने वाली है एनोनिमस की पब्लिक। यहाँ पे मैंने बंदे स्पॉट किए थे, मैंने गन से शॉट दिया ना तो नीचे जम कर गए, तो ये मैंने लगा लिया जो रीलोड टाइम ज़्यादा करती है और डैमेज ज़्यादा करती है। ये आप बॉक्सेस से आपको मिलते हैं, टैप कर दो नीचे, आप देख रहे हो दो ऑप्शन आ रहे हैं ग्रीन वाले, मैंने टैप किया तो मेरी पावर एक्टिवेट हो गई जो कि कुछ सेकंड तक होती है, जैसे आप देख सकते हो टाइमर आ रहा है 40 सेकंड। तो यहाँ पे ये बहुत हेल्प करती है आपकी फाइट्स में। मैंने एक बंदे को डाउन किया, दूसरे बंदे को डाउन किया, अब ये दोनों मर गए, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट स्क्वाड था, तीन स्क्वाड टोटल, तो जो दूसरा स्क्वाड था वो फ़ौरन से आ जाता है। अब मैंने इसको मारा लेकिन ये कवर में भाग जाता है, लो हुआ बंदा लेकिन कवर में जा चुका है, इसका टीममेट आया। बाबा जी ऐसे कैसे इतनी ओपन में आओगे तो आपके कान के नीचे लगाएंगे, और सॉरी आप मुझे बोल रहे हो नॉक होने के बाद, क्योंकि इनका नाम ही सॉरी है, लेकिन हम
आपकी सॉरी जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा जी किल का नो मजाक। व्हेन यू सी द बंदा यू जस्ट रन 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 निकालेंगे और गन मारेंगे बंदा, इस काली किल का नो मजाक बाबा जी। लॉ ऑफ एनोनिमस, तो एनोनिमस के पब्लिक मैं एक डिफरेंट एंगल से गया और देखो प्रीफर दे रहा था वो बंदा, उसको पता था मैं आने वाला हूँ, प्रीफर दे रहा था, लेकिन मैंने भी जिगल करके थोड़ा सा उसको डाउन किया। फॉरन से करेंगे फिनिश और इनकी करेंगे मजे से लूट, क्योंकि व्हेन यू सी द ग्रेट यू जस्ट टैप 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 इसका लूट का नो मजाक। और वो जो रूइन पावर के बॉक्सेस हैं पब्लिक, वो आप क्रेट से भी उठा सकते हो एनिमिस के, तो मतलब अगर आपको ख़त्म हो गया अपने किसी बंदे को मारा तो उसकी क्रेट से उठा सकते हो। और ये जो ग्रीन वाला है ना, ये शील्ड बना देता है। अभी तो मैंने दूसरा एक्टिवेट किया जो लाइक डैमेज ज़्यादा करता है, और दूसरा जो है ये आपकी रीलोड टाइम ज़्यादा जल्दी कर देता है। तो जब आप मतलब कोई सिलेक्ट करते हो लॉबी में, तो उसके फीचर्स जो होते हैं वहाँ पे लिखे आ रहे होते हैं। ये देखो ये जो एनिमी है, इसके पास वाइट वाला था, इसने कवर बना लिया ओपन में था। तो आपको कैसी लगी ये अपडेट, इसको आप मतलब 10 में से कितने मार्क्स देते हो? गैस मैं तो इस अपडेट को देना चाहूँगा लाइक 10 में से 9.9 कह सकते हो आप, हाँ 9.9 हम नंबर देंगे इस अपडेट को। बहुत ही मज़ेदार अपडेट लगी मुझे। उसका जो वेदर है ना, वो बिल्कुल चेंज है, मतलब इरेंगल में जितने भी आपके पहले वेदर्स आते थे ना, फॉग वाला और ये वो, तो ये बिल्कुल चेंज है और बड़ा प्यारा वेदर लगता है। हमें इन बंदों को मार रहा था, लेकिन इनके टीममेट जो थे वो पीछे अपार्टमेंट में भी थे। बाबा जी और मुझे बैक से पड़ गई, उसने पूरी कोशिश की मुझे फिनिश करे, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे फिनिश नहीं होने दिया मेरे टीममेट ने, उनका बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टारडियो। एक तो मैंने नाम रखे हुए स्टारडियो किलचोर, और दूसरा मैंने रखा हुआ थैंक यू स्टारडियो। थैंक यू, जब मुझे गुस्सा आता ना, जब लाइक मैं खाना वाना खा चुका होता ना, फिर मैं बोलता हूँ थैंक स्टारडियो किलचोर। जब मैंने खाना वाना खाना होता है ना, फिर मैं बोलता हूँ थैंक यू स्टारडियो। यस, तो एनोनिमस के बोली यहाँ पे मैंने स्मोक टीममेट को बोला करने को, फ़ौरन से गाड़ी निकाल के ना अपार्टमेंट्स में चला गया बच बचा के इनसे, क्योंकि यहाँ पे मुझे सैंडविच नहीं होना था। फ़ौरन से गाड़ी लाई, साइड पे रुका, और अब मैंने टीममेट को बोला था कि जो रून पावर वाले बॉक्सेस है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करो, मैं फाइट लूँगा, और आप लाइक जहाँ पे कवर बनाना हो वहाँ पे कवर बनाओगे और उस हिसाब से खेलेंगे। हालाँकि मैं भी यूज़ कर रहा था, बट जो मेरी टीममेट थी वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रही थी, तो मेरी बड़ी हेल्प हो रही थी इसमें। जब हम ओपन में होते थे तो वो बॉक्सेस का यूज़ करके रून पावर वाली अपडेट का कवर बना के हम लोग जिंदा बच रहे थे। पब्लिक में यहाँ पर आया एक बंदा, इनका स्पॉट किया, मैं फ़ौरन से जंप की और टीपी भी ले रहा था बेचारा, उसको मैंने पीछे से मारा, इसको डाउन किया। आई गेस इसी के बंद, इसने मुझे पहले डाउन किया था, ये पता नहीं इसके टीममेट ने किया था। भाई ये देखो मेरी टीममेट ने कवर बनाया था ये, और मैं ऊपर होने उड़ गया। दूसरे बंदे को भी डाउन किया, आइस का क्लैन था ये, जो कि बांग्लादेश का क्लैन था। अब यहाँ पे पब्लिक मेरे पास एमो खत्म होने वाली, मैंने आगे रश किया, छत पे बंदा है, प्रीफर दिया, एमो खत्म होकर यहाँ मेरी रीलोड लग गई, वरना इस बंदे को मैं स्प्रे में ले जाता, लेकिन मुझे कवर में आने का मौका मिला और फिर मैंने ऊपर रश करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ऊपर जाता हूँ यहाँ पे एक बंदा कैम्प कर रहा होता है, इसको भी फ़ौरन से डाउन किया पब्लिक, इनका आखिरी बंदा बचा है, और वही ये ब्लू वाला जिसको मैंने पहले मारा था। और ये बंदा ऊपर से ना नीचे कर देता है जंप, जैसे मुझे जंप का साउंड आता है बाबा जी, मैंने इसके पीछे जाना था, क्योंकि ये मेरा 1v4 था और मैं नहीं चाहता था कि मेरा 1v4 मिस हो जाए। काफ़ी अच्छा टीम, काफ़ी अच्छा स्क्वाड था, और यहाँ पे छोटे से एंगल से मैंने बाबा जी इसको डाउन किया, बहुत कुछ हुआ, टक से वापस आ गया। आप देख सकते हो कि मेरी हेल्थ बिल्कुल उड़ चुकी थी, मेरी वेस्ट बिल्कुल उड़ चुकी थी, लेकिन बाबा जी ऐसे कैसे ठोको लाइक बटन एनोनिमस के पब्लिक, सब के सब दबा दो लाइक बटन अगर आपको मज़ा आया यार स्क्वाड देखने में, स्क्वाड जो किया। आप खुद देख सकते हो जब मैं स्क्वाड मारता हूँ पब्लिक नूब शूब नहीं होते, कितने अच्छा खेलने वाले होते हैं। अभी हमारी मस्ती जो है वो इतनी मतलब लूट की हुई नहीं थी, अभी हमने लूट का नो मजाक ही बोला था कि एक और स्क्वाड आ जाता है, और एक और स्क्वाड से पंगा हो गया था हमारा अपार्टमेंट में। ये मेरा एस 1-स्टार का गेम प्ले है, जब मुझे साउंड तो आया ये कैम कर रहा, बट मुझे पता नहीं चला। अभी मेरी टीममेट ने किल चुराया, तो मैंने कहा ना देखो स्टार यू किल चोर, आप लोग मानते नहीं हो। अब इसका एक टीममेट ऊपर था, ये स्प्लिट में थे भाई, तो बाबा जी मैंने फ़ौरन से पीछे आके हील किया और ऊपर जाने का फैसला किया। बैरल यूज़ कर रहा था क्लोज रेंज में, बड़े टाइम बाद बैरल यूज़ की, और यकीन करो पब्लिक मुझे बड़ा मज़ा आया बैरल यूज़ करने में। अब यहाँ पर टीपी भी ले रहा था, मार्क भी देख सकते हो, मैंने मॉली मारी, लेकिन मॉली का डैमेज आएगा इसको नहीं हुआ, या पता नहीं हुआ। अब मैं नेट करने लगा, लेकिन मुझे साउंड आया वो बंदा भाग रहा है पीछे, उसने नीचे जंप कर दी, तो मैंने भी फ़ौरन से उसके पीछे जंप की, और मैं भी उसको चेस करने लगा, वो भाग रहा था, मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा था, और वो अपने टीममेट्स के पास भागा भाई कवर के लिए। ये देखो भाई, एक को डाउन किया और वो भी किल चुरा लिया मेरे टीममेट ने, दूसरे को डाउन किया, अब इनका आखिरी बंदा बचा था, क्योंकि एक को मैंने फिनिश कर दिया था, दो को डाउन कर दिया था, और इनका आखिरी बंदा तो जो था ना पब्लिक वो ये आता, और ये घास आगे आ गए थे वरना मैं इसको मार देता। लो किया, कुछ गोलियां लगी, लेकिन भाई यहाँ पे स्टार ड्यू किल चोर नहीं है, इसने मेरी ज़िंदगी बचाई है। यू आर वेरी नाइस पर्सन, यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी रहम दिल, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ यू किल चोर। तो एनोनिमस के पब्लिक उसके बाद हमने मेहरान गड्डी उठाई, और मेहरान गड्डी लेके मैं ब्रिज की तरफ आ गया था, क्योंकि ब्रिज जो था वो जोन के मिडिल में था। और अब आप देखोगे कि जो रेड वाला था ना, मतलब रूनिक पावर का जो
अपडेट का जो रेड वाला फीचर है जिसमें लाइक रोल आता है, अब आप देखोगे कि एनिमीज वो यूज़ कर रहे थे और रोल हमारी तरफ फेंक रहे थे। काफ़ी इंटेंस फाइट हुई यहाँ पे, 4v2 की फाइट थी और उन्होंने हमारी गाड़ी देख ली थी ब्रिज से आते हुए। तो ये ड्रॉप पे नहीं गए, ये वहाँ पे रिच पर रुक के हम लोग का वेट कर रहे थे, वरना मुझे इतना अच्छा मतलब लग रहा था कि भाई ये पानी में जाएंगे और मैं इजीली एक दो को मार दूंगा, लेकिन इनको पता चल गया और ये फिर वेट करने लग गए हमारा पब्लिक। अब यहाँ पे इनकी खोपड़ी नजर आई तो मैं समझ गया कि इनको हमारी हमारे आने का पता चल चुका और ये हमारा वेट कर रहे हैं। तो आपके नॉलेज में इसके पास 4 नेट थे, मैंने पहले यही सोचा कि नेट से ना एक दो नॉक करने की कोशिश करूँगा और उसके बाद जो है मैं पुश करूँगा, वरना 4 बंदों पे मैं ऐसे पुश नहीं करूँगा। पहला नेट किया गया, जितने भी नेट की डैमेज इनको जरूर हुआ होगा। ये देखो ये रेड वाला इफेक्ट यूज़ करके रोल मीटर फेंक रहे हैं, जो कि अगर आपको टकराएगा तो आपको डैमेज देगा और मे बी नॉक भी कर दे। और जो रेड वाला जो सॉरी ग्रीन वाला सॉरी 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 जो ब्लू वाला या वाइट वाला आप कह सकते हो इफेक्ट है, उससे वो देखो वॉल का कवर बना रहे थे। तो मैंने यहाँ पे नेट्स वगैरह फेंके और आखिरी नेट जो मेरे पास था उससे मुझे नॉक मिला। मैंने फ़ौरन से बैरल निकाली, देखी जाएगी जो होगा अच्छी क्लियोगा नाड़ा कच्चे क्लियोगा आगे इन पर पुश करने के लिए बाबा जी। और अब इनका एक नॉक है, 3 बंदे बचे हैं। अब यहाँ पे आप देखना मैंने कैसे नॉक निकाला, ये एक गया और ये दूसरा गया बाबा जी। इनका आखिरी बंदा बचा था पब्लिक और पीछे से आता है, इसको मैंने मारी गोली लेकिन मेरी गन रीलोड लगी है, मेरी टीम मेट ने इसका फ़ायदा उठाया, किल चुराया। स्टार्ड यू आर वेरी किल चोर, तुमने मेरा 1v4 मिस करा दिया, लेकिन थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, नो डाउट उन्होंने बहुत बार मेरी ज़िंदगी बचाई। तो मैं बस ऐसे मजाक में प्यार में बोल देता हूँ, स्टार्ड यू किल चोर, यू आर नॉट किल चोर, यू आर वेरी नाइस पर्सन, वेरी रहम दिल, थैंक यू सो मच फॉर सेविंग माई लाइफ इन पबजी मोबाइल। तो एनिमस पब्लिक हमने अपनी गधा गाड़ी उठाई और मैं जोन के मिड में आ गया था, जो कि सर्कल ब्रिज के इस साइड बना था, शुक्र है ब्रिज कैंप नहीं था। और जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ तो हमें गाड़ी घूम रही थी, अब मुझे ओपन में रुकना नहीं था गाड़ी के लिए, मुझे लगा एक से ज़्यादा बंदे होंगे। यहाँ पर आया तो ये बंदा यहाँ पर होल्ड कर रहा था और इसने जो शॉर्ट्स दिए, अब जो गाड़ी वाला था उसने भी यहाँ पे पुश किया और इनकी 1v1 फाइट हुई और एक बंदा फाइट जीत गया जिसके बाद DP थी। अब देखते हो तो किल फील्ड में इसका नाम भी आया, तो मैंने फ़ौरन से नेट निकाला, मुझे पता चल चुका था उसने नॉक फिनिश कर दिया, किल फील्ड में नाम आता है अच्छे से। आप अगर लाइक किल फील्ड देखो तो इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है पब्लिक आपकी। तो मैंने फ़ौरन से दूसरा नेट निकाला और इससे मे बी अगर उसको नॉक हो जाता ना वो मज़ा आ जाता, क्योंकि बिल्कुल कुक नेट था, वो बंदा पीछे भाग जाता है। मेरे पास नेट ही खत्म हो गया, मैंने देखा स्मोक है तो कैंसिल करके रश करने का फैसला किया, MK14 वहाँ से मैंने उठाई थी और MK14 मुझे शायद इतनी अच्छी चलानी नहीं आती, क्योंकि मैं इतने अच्छे से चलाता नहीं हूँ, ज़्यादा अरसे से नहीं चलाता। यहाँ पे इसने मुझे काफ़ी डैमेज दिया और जब इसको लगा ना मैं काफ़ी लो हूँ और मैं था भी, तो उसने रश करने का फैसला किया और मैंने जंप करके फ़ौरन से इसको डाउन किया। बाबा जी ऐसे कैसे, यू डोंट नो कि MK14 जो है वो पबजी मोबाइल की सबसे ज़्यादा पावरफुल गन है। और भाई साहब को डाउन करने के बाद फ़ौरन से शैक में आता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आपको हील करना था, बाहर इसलिए रुक के हील नहीं किया क्योंकि पब्लिक ये नॉक हुआ था और सर्कल इतना छोटा है कि इसके टीममेट ज़्यादा दूर नहीं होने वाले। तो फ़ौरन से अपने आपको हील किया बाबा जी, हील करने के बाद इसकी करेंगे लूट, क्योंकि लूट का नो मजाक, व्हेन यू सी द क्रेट जस्ट टैप 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 टैप, इसका लूट का नो मजाक बाबा जी। हेल के अपने आपको भाई साहब की लूट करेंगे, लूट करने के बाद मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं बंदे ढूंढने लगा पब्लिक। और यहाँ पे ना लेफ्ट में टीममेट ने बंदा स्पॉट किया, कोई भाग के जोन से आ रहा होगा, तो मैंने बिल्कुल एज पे गाड़ी रोक दी और उस बंदे का जोन काटने के लिए रुक गया। यहाँ पर रुकने का रीज़न ये था क्योंकि उसको जोन में आना है, 1 मिनट रह गया था और कोई जगह से जा नहीं सकता, गाड़ी उसके पास है नहीं, पैदल भाग रहा था, तो हम लोगों के पास से उसको जोन में आना पड़ेगा और हम जोन के इतने एच पे हैं कि हमें डैमेज नहीं पड़ेगा, हम फ़ौरन से जोन ले सकते हैं, सिर्फ यहाँ से 12-13 मीटर दूर है जोन। तो थोड़े बाद मुझे वो बंदा स्पॉट होता है, मैंने फ़ौरन से इसको डाउन किया, लो था ये बंदा, इसको मेरा एक हेड शॉट और 2-3 बॉडी शॉट कनेक्ट हुए थे आई गेस M4 की, और ये बंदा नॉक हो गया, ये लो था और ये भी जोन का डैमेज लेके भाग भाग के इधर आया, इसने पानी शायद तैर के क्रॉस किया या क्या अल्लाह जाने, ब्रिज की दूसरी साइड से आया, तो ये लो था, इसको फ़ौरन से डाउन किया। अब पब्लिक मुझे लगा जब एक नॉक है तो बाकी भी इधर ही किधर होंगे, तो मैं उनको स्पॉट करने लगा और ये मेरा गैस ठीक था, मे बी इन्होंने जो ब्रिज क्रॉस किया ना पब्लिक वो पानी से किया और जोन का डैमेज लेके किया। अब मैं इस बंदे को ढूंढने लगा कि फिनिश कर सकूं, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि मेरा डाउट था कि इसके टीममेट भी आसपास होंगे, तो उसके टीममेट आसपास थे, बिल्कुल मेरे पास में थे। अब मुझे मार्क आता है तो मैं पहले इसको फिनिश करने के लिए आ जाता हूँ। अब इतनी देर में ना 1 मिनट हो चुका था और जोन आने वाला था, अब आप देख सकते हो सिर्फ 130 मीटर जाना है और सिर्फ कुछ ही दूर जोन है हमारे, और जोन इतना छोटा है कि डैमेज भी अच्छा खासा होने वाला है। जैसे मैं भागने लगा मुझे लेफ्ट रिच पे एक बंदा स्पॉट होता है, मैंने M4 निकाली, कान के नीचे लगाया इसको डाउन किया, ये पहले से मुझ पे एम करके बैठा था और मैंने फर्स्ट को डाउन किया, अपनी जो हमारी कैरी डब्बा है उसको उठा के इसको फिनिश करने के लिए यहाँ पे आ गया। फिनिश करना मकसद नहीं था, मकसद था कि ये भी नॉक था, उससे पहले वाला भी नॉक था, मैं भी इनका आखिरी बंदा मुझे मिल जाए, तो इनका आखिरी बंदा मुझे स्पॉट नहीं होता और मैं यहाँ पे एच पे आके गाड़ी रोकूंगा। और यहाँ पे जो ये हो गया ओके, यहाँ पे मुझे इनका आखिरी बंदा स्पॉट होता है और उतनी देर में ना पब्लिक इसको तो मैं यहाँ पर मार दूंगा, ये बंदा गया। अब यहाँ पे
जो फाइट थी ना कि ये भी नॉक हुआ लॉल, ये आई गेस 1v4 2v4 की फाइट थी। अब एक एक का मुझे जो है ना प्ले जोन के बाहर खेल मिल जाता है जो मैंने पहले नॉक किया था, जिसको मैं गाड़ी से फिनिश करने आ रहा था। ये आखिरी बंदा था, इसके कान के नीचे लगाया, इसको लॉबी भगाया और ऐसे हमें मिला विनर, विनर चिकन डिनर। एक जोन से मर जाता है और आई गेस 1v4 था या अल्लाह जाने कैसी फाइट थी मतलब, लेकिन 21 किल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके 7 बंदे लाइफ थे एक जोन से मरा, तो बाकी बचे 6, 2 हम थे, बाकी बचे 4, हमने ऐसे 4 मरे। बाकी चलो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था कि कैसे जीते, लेकिन 21 किल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। और आप डैमेज देख सकते हो, किल देख सकते हो, रैंक देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर मेरी आपको कोई भी बात बुरी लगे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और अच्छी लगती तो मेरी एनोनिमस की पब्लिक, प्लीज़ 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 ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना, ऐसे दुआ में याद रखना। और इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर देना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। कोई भी अपडेट हो, मेरी कोई पुरानी पिक्चर मिले, अभी रिसेंटली मुझे एक अपनी पुरानी वीडियो मिली थी, मैंने इंस्टाग्राम पे लगा दी, तो ऐसी कुछ भी सीन होता है मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, आप लोगों से बात वगैरह करता रहता हूँ, स्टोरीज के जरिए अपडेट देता रहता हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना, दिल से लव यू एनोनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।